एज यू गाइस नो, मैं ना 2 साल से सिम रेसिंग एंड सिम ड्रिफ्टिंग करते आ रहा हूँ। मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था अपने लॉजिटेक G29 से, देन मैंने लिया एक थ्रस्ट मास्टर का व्हील, देन हम लोगों के पास आया मोजा R5 एंड रिसेंटली हम लोगों के पास कैमस C5 भी आया। नो डाउट ये जो सारे व्हील्स है ना, ये हाई क्वालिटी के हैं, बट मेरा बहुत ज्यादा मन था स्टार्टिंग से कि मैं आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाऊ एक प्रोफेशनल सिम रेसिंग सेटअप में। तो वी हैव अ न्यू सेटअप विद अस एंड फिलहाल के टाइम पे ना ये ओनली वन इन इंडिया है। तो दिस इज एसेट एक्सिम स्पोर्ट्स ला प्रीमा। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा एसेट एक्सिम स्पोर्ट्स ला प्रीमा के बारे में, क्या है ये, मतलब क्यों है ये एंड कैसा है ये, सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर डिटेल में बताऊंगा। बट फर्स्ट एसेट एक्सिम स्पोर्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बिलोंग करते हैं डेनमार्क से, जो सिम रेसिंग इंडस्ट्री में ना बहुत ही रिसेंटली एंटर करे हैं एंड इनके जो प्रोडक्ट है ना एकदम हाई एंड वाले हैं। एंड आज हम लोग ना ला प्रीमा के बारे में बात करेंगे। ये जो व्हील है ना, ये इनका एंट्री लेवल व्हील है, बट इसका जो क्वालिटी है ना इनके हाईएस्ट एंड वाले व्हील से भी मैच करता है। सो एसेट एक्सिम स्पोर्ट्स में ना हम लोगों को 3 रेंज मिलते हैं, इनविक्टा, फोर्टे एंड ला प्रीमा। ला प्रीमा इनका एंट्री लेवल सीरीज है, फोर्टे जो रहेगा ना वो मिड रेंज वाला रहेगा एंड इनविक्टा एकदम हाईएस्ट एंड का है। अगर मैं आप लोगों को ला प्रीमा बंडल के प्राइस के बारे में बताऊं तो अराउंड $1200 हम लोगों को पड़ेगा। इसका प्राइस आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा ज्यादा है एंट्री लेवल के हिसाब से, बट यार प्रोडक्ट ना बहुत ज्यादा ही वर्थ इट रहेगा। बट मेरे पास ला प्रीमा बंडल नहीं आया है, हम लोगों के पास सेपरेट सेपरेट आइटम्स आए थे, आप लोगों को स्क्रीन में शो कर रहा होगा, उनके प्राइसेस भी आप लोगों को शो कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली आप लोगों को इसके सारे बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आप लोग इंडिया से परचेज कर सकते हैं, दे डिलीवर टू इंडिया एंड आप लोगों को ये डिस्काउंट कोड भी दिख रहा होगा, इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग इसको चेकआउट जरूर से करिएगा। तो हम लोग इसका ना अनबॉक्सिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग इसके व्हील बेस को ओपन करते हैं। ये व्हील बेस में हम लोग को 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है एंड ये ना एक डायरेक्ट ड्राइव व्हील बेस रहेगा। अगर कंपेयर करेंगे हम लोग इसको G29 से तो 5 times ज्यादा हम लोग को इसमें पावर देखने को मिलता है। थ्रस्ट मास्टर T300 से हम लोग को 3 times ज्यादा पावर देखने को मिलता है। ये दोनों ना कॉमन व्हील है जो आई थिंक बहुत लोग यूज करते हैं, बट एसेटेक ला प्रीमा बीइंग अ डायरेक्ट ड्राइव व्हील इसमें तो फोर्स फीडबैक है ना बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा। बॉक्स में हम लोगों को एक बटन देखने को मिलता है जो कि हम लोगों का ऑन ऑफ का बटन रहेगा, इसके बिना हम लोगों का व्हील बेस ऑन नहीं होगा। सो इसको बहुत ज्यादा सेफ आप लोगों को रखना पड़ेगा। जो व्हील बेस रहेगा ना ये 8.5 किलोग्राम्स का रहेगा एंड इसके लिए ना हम लोगों को एक अच्छा खासा रिग चाहिए रहेगा जो कि इसको इजीली होल्ड कर सके। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है एनोडाइज एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम से जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का रहेगा एंड ये सेम मटेरियल से ना इनविक्टा एंड फोर्टे भी हम लोगों का कंस्ट्रक्टेड है। अब हम लोग ओपन करते हैं इसके बटन बॉक्स को। ये फुल्ली सेम रहेगा ला प्रीमा फॉर्मूला व्हील जैसा, बट ला प्रीमा फॉर्मूला व्हील में हम लोगों को 12 पुश बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोगों को 8 पुश बटन देखने को मिलते हैं एंड बाकी सारे चीज ना सेम रहेंगे, जिसमें हम लोगों को 2 थंब एनकोडर्स देखने को मिलेगा, 3 बैकलिट रोटरी एनकोडर्स देखने को मिलेगा एंड 2 7 वे किंग की स्विचेस देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों को 15 LED का रेव इंडिकेटर्स, 2 मैग्नेटिक पेडल शिफ्टर्स एंड इंटीग्रेटेड एसेटेक का क्विक रिलीज सिस्टम भी देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यार ये ना बटन बॉक्स कुछ काम का ही नहीं रहेगा जब तक हम लोग इसमें रिम नहीं लगाएंगे। तो मेरे पास एसेटेक के 2 रिम्स आए हैं, जिसमें सबसे पहला है ये राउंड व्हील जो कि 330 मिलीमीटर के डायमीटर का रहेगा एंड इसमें हम लोगों को जेन्युइन लेदर का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा ग्रिपिंग देता है। हैंड स्टिच ऑरेंज कलर में रहेगा, साथ में टॉप में भी एक ऑरेंज सेंटर पॉइंट देखने को मिलेगा। क्वालिटी वाइज ना ये रिम मेरे को बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। साथ में हम लोगों के एक क्लोज डी ऑरेंज रिम है, इसका भी क्वालिटी सेम है, इसमें भी हम लोगों को जेन्युइन लेदर यूज किया गया है। हम लोगों के हैंड ग्रिप के साइड में यहाँ पे ऑरेंज लेदर यूज किया गया है, बाकी सारी जगह हम लोग का ब्लैक लेदर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा खासा इसका भी कंस्ट्रक्शन मेरे को फील हुआ है एंड अगर आप लोग GT रेसिंग करते हैं तो ये व्हील आप लोगों के लिए चॉइस रहेगा। ये बटन बॉक्स को इंस्टॉल करना इस रिम ना बहुत ज्यादा सिंपल, आप लोगों को दिख रहा होगा कितने इजीली हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स ओपन द पेडल बॉक्स। यार इसका भी क्वालिटी ना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके ब्रेक पेडल के बारे में बताऊं तो इसमें भी हम लोग को 180 किलोग्राम्स का लोड सेल देखने को मिलता है एंड इसका ब्रेक पेडल का जो थ्रो रहेगा ना एक रियल कार से इंस्पायर्ड है, एक रियल रेस कार से स्पेसिफिकली बोलूं तो, जो इसको ना एक परफेक्ट रेसिंग का पेडल बनाता है। ला प्रीमा बंडल में हम लोग को यहाँ पे 2 पेडल्स देखने को मिलते हैं। क्लच अगर आप लोग को ऐड करना है तो इसका एड ऑन आता है जो कि मैंने ऑब्वियसली सेलेक्ट किया बिकॉज मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ। इसका भी इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बस हम लोगों को प्लेस करके नट्स के हेल्प से इजीली फिट हो जाएगा एंड बॉटम में ना हम लोगों को एक वायर फिट करना है जो कि यार बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं रह गई है। तो अब हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। बेस इंस्टॉल करने के लिए बॉटम में हम लोग यहाँ पे 4 नट्स दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम लोग इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास
एक यूनिवर्सल प्लेट दिया गया है, माउंटिंग प्लेट, तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप लोग ड्रिल करके भी यूज कर सकते हैं। प्लस एसेटिक की तरफ से ना हम लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलता है फॉर इंस्टॉलिंग द व्हील बेस। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसका फ्रंट माउंट, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंस्टॉल करना, बट एक बार इंस्टॉल कर लोगे ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा आप लोगों का रिग। इसी फ्रंट माउंट में हम लोगों को अपने ऑन ऑफ बटन को भी इंस्टॉल करना है। ये ऑन ऑफ बटन आप लोगों को सच बता रहा सेफ रखना पड़ेगा, इसके बिना व्हील बेस चालू नहीं होगा। कोई भी बटन यहाँ पे हम लोग ऐसा व्हील बेस में इंटीग्रेटेड तो नहीं दिया गया है। एसेटेक ला प्रिमा पेडल्स को भी इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को रिग में ना थोड़े कस्टम माउंट चाहिए रहेंगे। अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सल प्लेट है तो ऑब्वियसली उसमें ड्रिल कर सकते हैं इनके मार्किंग के हिसाब से, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग सीधे एल्यूमिनियम प्रोफाइल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे को एक कस्टम प्लेट बनाना पड़ा था जिसके हेल्प से मैंने ये पेडल को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं पीसी में। सबसे पहले ना हम लोगों को इसका सॉफ्टवेयर जो की है रेथब, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को फोर्स फीडबैक अच्छा आएगा। सेटिंग्स भी इसमें हम लोग को बहुत सारे देखने को मिलते हैं, आप लोग अपने नीड के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कितना पावर चाहिए, कितना आप लोगों को डैम्पिंग चाहिए, कितना व्हील रोटेशन चाहिए, सब कुछ इसमें दिया गया है। इवन यहाँ पे हम लोगों को प्रोफाइल सेट करने का भी ऑप्शन है। अगर आप लोग डिफरेंट गेम्स खेलते हैं जैसे F1 हो गया, रैली हो गया, ACC हो गया, ये सारे के आप लोग अलग अलग प्रोफाइल बना के उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ला प्रिमा स्टीयरिंग व्हील में हम लोगों को रेव इंडिकेटर्स देखने को मिलता है एंड 3 रोटरी एनकोडर्स में हम लोगों को लाइट देखने को मिलते हैं। इसको भी आप लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स आप लोग यहाँ पे आप लोगों को जैसा भी चाहिए, जिस तरीके का भी चाहिए, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये तो था सॉफ्टवेयर साइड, लेट्स गो। अब हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग नर्बर्गरिंग में चलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट ट्रैक है यार टेस्टिंग के लिए। यार इसका फोर्स फीडबैक कितना ज्यादा स्मूथ लगा एंड बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज मेरे को लगा। ला प्रिमा का पीक टॉर्क ना हम लोग को 12 Nm देखने को मिलेगा एंड इसका जो पीक स्लो रेट रहेगा ना 4 Nm/ms का रहेगा, जो कि इसके फोर्स फीडबैक को ना बहुत ज्यादा क्विक एंड बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज बनाता है। प्लस यार मेरे को ना ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, जब मैंने इसे ड्रिफ्टिंग ट्राई किया यार बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगा मेरे को। लाइक इसका रिस्पांस टाइम ना बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है एक्चुअली, मेरे को समझ आ रहा है कि कब हम लोगों का ओवर स्टीयर है अंडर स्टीयर, तुरंत मैं पकड़ ले रहा हूँ एंड हम लोग उसके हिसाब से अपने ड्रिफ्टिंग को एडजस्ट कर ले रहे हैं। ये तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि इससे ना मेरा ड्रिफ्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा बेटर हुआ है। एंड फॉर GT3 फैंस, यहाँ पे ACC में फोर्स फीडबैक ना अनदर लेवल में है। मैंने मोजा R5 से जितना भी खेला है ना, उसमें फोर्स फीडबैक मेरे को थोड़ा डल फील हुआ ये वाले व्हील को यूज करने के बाद। मेरे को ना रोड के स्मॉलर डिटेल्स भी ना इस व्हील में समझ आया था एंड आई थिंक ACC में हम लोग इसको फुल 12 Nm फोर्स में खेल सकते हैं। बट टू मी पर्सनली आई थिंक मैं उतना ज्यादा यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ। आई थिंक मैं ना इसके 50% फोर्स को ही यूज करूंगा एंड जस्ट फॉर यूजिंग माई आफ्टर मार्केट ड्रिफ्ट व्हील। मेरे पास इनविक्टा क्विक रिलीज सिस्टम भी है यार। ये क्विक रिलीज सिस्टम ना क्या तो अमेजिंग चीज लगा मेरे को यार, बहुत ज्यादा क्विक है एंड बहुत ज्यादा लाइक सैटिस्फाइंग मेरे को फील हो रहा है इसको यूज करके। प्लस मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोगों के पास कोई भी आफ्टर मार्केट USB व्हील है तो आप लोग इसको ना डायरेक्टली एसेटेक ला प्रिमा व्हील बेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आप लोगों को इसका इनविक्टा क्विक रिलीज सिस्टम ऑन करना रहेगा एंड इसमें हम लोग को एक USB पोर्ट दिया गया है, जिसके हेल्प से ना व्हील बेस इजिली डिटेक्ट कर लेता है एंड पूरा पावर ऑन हो जाता है। अभी मेरे पास तो फिलहाल कोई एक्स्ट्रा व्हील है नहीं जो मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा पाऊं, बट एसेटेक का ये क्लेम है कि सारे व्हील्स इसमें इजीली वर्क करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेडल। यार ये पेडल के बारे में आप लोगों को 2 पॉइंट बोलूंगा, ये किसी भी बिगिनर्स के लिए नहीं है, प्लस आप लोगों को इसके लिए ना एक प्रॉपर पेडल ट्रे या पेडल माउंट चाहिए रहेगा। यार इसका ब्रेक पेडल इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कुछ भी थ्रो नहीं है। लाइक पर्सनली मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत थ्रो चाहिए रहता है पेडल में, बट इसमें लाइक निल के बराबर थ्रो है। बट ये लेस थ्रो का एक बिग रीजन है, ये आप लोगों को रेसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट मैं ना इतना ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ ये लेस थ्रो पेडल्स का। ला प्रिमा पेडल में हम लोग को थ्रॉटल एंड क्लच का अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्टर साइड में रहेगा, बट आप लोग इसको इजिली अपग्रेड कर सकते हैं 40 सीरीज में, जिसमें ना जो रेजिस्टेंस है हम लोग का थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। पेडल सेट बहुत ज्यादा हाईली एडजस्टेबल नहीं है, पेडल का हम लोग डिस्टेंस को भी एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ हम लोग पेडल थ्रो को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजिली हो जाता है। पेडल्स का क्वालिटी फुल मेटल से बनाया गया है, दे हैव अ गुड मैकेनिकल फील। आप लोग इसका साउंड सुने यार, कितना ज्यादा क्लिकी साउंड है,
लाइक ये ना आप लोगों को एक रियल कार का फीलिंग देगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एसेट एक्स एम स्पोर्ट्स के कोई भी पेडल आप लोग यूज कर रहे हैं ना, तो इसको आप प्रॉपर शू के साथ ही यूज करें। गेम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को मोस्टली हायर एंड वाले जो सिमुलेटर गेम रहते हैं ना, वो सारे ही गेम्स इसमें वर्क करते हैं इजिली। यहाँ पे हम लोग एसेडोगोसा कॉम्पिटिशन, डर्ट रैली, EAWRC, आई रेसिंग, सारे ही गेम्स इसमें इजिली वर्क करता है। अगर आप लोगों को थोड़े आर्केड गेम्स खेलने लाइक फोर्जा होराइजन 5, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ आफ्टर मार्केट सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लोग उसको इजिली एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा बहुत फीडबैक तो उसमें आता है एंजॉय करने लायक, बट अगर आप लोगों को प्रॉपर फीडबैक के साथ खेलना है ना, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा आप लोगों को एसेडोगोसा कॉम्पिटिशन ही खेलें। तो यार आई थिंक मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया है ये एसेट एक्स ला प्रिमा के बारे में। अगर आप लोगों को लगता है कुछ पॉइंट्स मैं मिस किया हूं, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को ये एसेट एक्स इम्पोर्ट्स परचेस करना है ना, सारे लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ये डिस्काउंट कोड आप लोग मत भूलना यार, ऑब्वियसली यार डिस्काउंट किसको नहीं पसंद है। एंड आप लोगों को इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी ये होगा, यार मैं छोटे से लोकेशन पे रहता हूँ, मेरे घर आ गया तो यार आप लोगों के लोकेशन पे तो 100% आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया ना, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। चैनल में नए ना, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पे।